हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस स्नैक रेसिपी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने रखा था, फिर मैंने बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, जिसे कहते हैं भेल पूरी। ठीक है, सो आज मैं भेल पूरी बनाने जा रही हूँ, थोड़ा कोलकाता स्टाइल वाला भेल पूरी। सो यहाँ पे प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। भेल पूरी तो आपने सभी ने खाई होगी, कोलकाता स्ट्रीट में भी भेल पूरी मिलती है और थोड़ा सा चटपटा होता है, बस खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आज मेरा भेल पूरी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ही ट्राई किया जाए। इसलिए मैं घर पे ही भेल पूरी बना रही हूँ अपने स्टाइल में, थोड़ा सा बंगाली टच, और फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने अचार डाला है। आपके पास अगर कोई भी अचार होगा तो आप वो डाल सकते हो। मेरे पास कच्चे आम का अचार था, तो खट्टा मीठा टेस्ट आएगा भेल पूरी में, इसलिए मैंने अचार को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। और मैंने थोड़ा सा हल्दी भी डाला था। सो ये सब मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं ऐड करने जा रही हूँ पफ्टेड राइस, मतलब मूढ़ी। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसे कहते हैं पफ्टेड राइस, मूढ़ी कहते हैं बंगाली में। और ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही क्रंची होते हैं, और मतलब पेट भी बहुत फुल रहता है इससे, और खाने में भी बहुत यम्मी होते हैं। सो अब मैं इसे ऐड करूँगी यहाँ पे। मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और मैं यहाँ पे मूढ़ी मतलब पफ्टेड राइस ऐड कर रही हूँ। अब मैं एक अच्छा सा मिक्स दूँगी, और मैंने फ्लेम यहाँ पे लो रखा है। अगर आप मीडियम और हाई रखोगे तो जो पफ्टेड राइस है वो जल जाएंगे, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लो फ्लेम में आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। एक एक दाना येलोइश हो जाना चाहिए, तब तक आपको मिक्स करते रहना है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली लिए हैं, उसको मैंने अच्छे से फाइनली चॉप करके यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी करीब इस तरह से। और ये आपको फ्लेम लो ही रखना है, लो फ्लेम में ही करना है। और अगर आपके घर में कोई भी सब्ज़ी हो तो फिर वो सब्ज़ी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। मेरे घर में यहाँ पे मिक्स वेज का थोड़ा सा सब्ज़ी था, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास आलू की सब्ज़ी हो तो वो बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा सब्ज़ी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, जस्ट थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। सो ये ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करना है कुछ इस तरह। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चना चूर, मतलब अगर आपके पास सेव है तो आप सेव ऐड कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे चना चूर था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चना चूर ऐड कर रही हूँ, जिसमें पीनट्स भी है, ठीक है। तो आपको अलग से पीनट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं कुकुम्बर ऐड कर रही हूँ, जो फाइनली चॉप किए गए हैं, और मैंने फ्रेम बंद कर दिया है। सो अब कुकुम्बर ऐड करने के बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इमली का चटनी नहीं है और ग्रीन चटनी भी नहीं है। सो अगर आपके पास इमली चटनी है और ग्रीन चटनी है तो वो ऐड कीजिएगा, टोमेटो सॉस को स्किप कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे टोमेटो केचप डाल रही हूँ। इससे भी एक अलग सा फ्लेवर आता है और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी ये डिश बनती है। सो इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेम हमारा बंद है और देखिए फाइनली हमारा रेडी हो गया भेल पूरी। सो भेल पूरी इस तरह से बना सकते हो आप घर में, अगर शाम के टाइम गरम गरम चाय के साथ आपको कुछ खाने का मन हो तो ये भेल पूरी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय।